कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। डायरेक्ट सेलिंग में होलसेलर, रिटेलर या स्टॉकिस्ट नहीं होते हैं। वो सारा बेनिफिट कंपनी आप में हम में यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में ही बांट देती है। स्वरोजगार जनरेट करने का सबसे अच्छा माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में इनकम अधिक नहीं होती है, इसलिए इसे पार्ट टाइम ही शुरू करें। जब तक आप 4-5 महीने लगातार हर महीने अच्छी खासी इनकम यहाँ से नहीं कर लेते हैं, तब तक डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम ही कीजिएगा, इसे फुल टाइम मत कीजिएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म फल की चिंता किए बगैर अपना कर्म करो। ये तभी होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को शुरू में पार्ट टाइम करते हैं, तभी आप रिजल्ट की चिंता किए बगैर अपना काम कर पाएंगे और इसमें सफल हो पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करने से पहले ध्यान रखें कि कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो। प्रेजेंट टाइम में लगभग 462 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से लगभग 50 से 100 कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं। उसमें से आप देखें कि आपको कौन सी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगती है, उसका बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट्स, उसी के बाद आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन कीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चेक कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के होते हैं, इसलिए जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट रेंज आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रोडक्ट्स रीपरचेज किए जा सके, जैसे कि टूथपेस्ट या साबुन, जिन्हें आप आज अगर यूज करते हैं तो नेक्स्ट मंथ आप फिर से परचेज करोगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन उनके प्राइस बहुत हाई होते हैं, तो इसलिए आप ये चेक कर लेना कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो अच्छी हो लेकिन वो अफोर्डेबल प्राइस पे होने चाहिए। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत हाई प्राइस पे प्रोडक्ट्स देती हैं जबकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जो भी प्रोडक्ट्स आपके यूज के हों उन्हें सेल्फ यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का पता चलेगा। एक बार अगर आपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज कर लिया तो आपकी 90% प्रोडक्ट ट्रेनिंग वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंपनी को चूज करने का तो हो गया, दूसरा स्टेप आपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता कर लिया, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, सब आपने पता कर लिया। अब अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट्स को अपने घर में डिस्प्ले कर दो। जैसे आप अपने बाथरूम में फेस वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट एक्सेट्रा रख सकते हैं, हेल्थ केयर से संबंधित प्रोडक्ट्स आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम में आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्रिज के ऊपर भी आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसा करके जो भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स आपके घर पे आएंगे वो इन प्रोडक्ट्स को तो देखेंगे ही, इससे आपकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई प्रोडक्ट्स की। इसके बाद का स्टेप आता है प्रोडक्ट्स की शेयरिंग एंड केयरिंग, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि हमारा बिजनेस को फेल कर देती है या फिर बहुत स्लो कर देती है। और वो गलती होती है कि जब हम किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी बताते हैं तो हम उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं प्रोडक्ट की जैसा कि प्रोडक्ट आपका अगले ही दिन को चमत्कार कर देगा। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर बताएं लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टूथपेस्ट और भृंगराज हेयर ऑयल है और आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। अब जब आप किसी और को इसकी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे तो साथ में ये भी बताना बहुत जरूरी है कि टूथपेस्ट को रेगुलरली यूज करने पर आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये सफेद पेंट नहीं है कि आज आपने टूथपेस्ट यूज किया और कल को आपके दांत पूरे सफेद हो गए। और वैसे ही अगर आप भृंगराज हेयर ऑयल को अच्छे से यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये नकली बालों की विग नहीं है कि आज आपने हेयर ऑयल लगाया और कल को सारे सिर पे बाल आ गए, और ना ही ये काला पेंट है कि आज आपने हेयर ऑयल लगाया और कल को सारे के सारे बाल काले हो गए। तो इसलिए आप जिसको भी प्रोडक्ट्स दो उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर बताओ, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत कर देना कि वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर बैठे। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है बिजनेस प्लान को लेकर, और वो है शो द प्लान। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में बताया जाता है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोगों के फेल होने का कारण बनती है। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शुरुआत में कॉम्बो पैकेज जैसे कि 5,000 या 10,000 रुपए से प्रोडक्ट्स लेने से शुरुआत होती है। अब यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती होती है सभी को कॉम्बो पैकेज देने की कोशिश करना, और मैक्सिमम लोग इकट्ठे 5,000 या 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वो अपने डेली नीड्स के कुछ प्रोडक्ट्स आपसे जरूर ले सकते हैं, फिर अगर उनको आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और आपकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं और प्रोडक्ट प्राइस भी अफोर्डेबल लगता है तो फिर वो आपके रेगुलर कस्टमर भी बन सकते हैं। इसलिए कभी भी कॉम्बो पैकेज देने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को कॉम्बो पैकेज देने जाते हो तो मैक्सिमम गारंटी है कि उनमें से 9 इवन 10 के 10 ही आपको मना कर देंगे, क्योंकि शुरू में आपको अच्छे तरीके से बिजनेस प्लान देना नहीं आएगा।
और उन्हीं 10 लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर आप प्रोडक्ट्स देने जाते हो तो मैक्सिमम गारंटी है कि 8 से 9 लोग इवन 10 के 10 लोग आपसे प्रोडक्ट्स जरूर परचेज करेंगे। ध्यान रहे आप अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सेल्समैन नहीं हैं। जैसे हमें कोई मूवी अच्छी लगती है, किसी रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है या फिर हमें फोन अच्छा लगता है तो हम उसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। वैसा ही सेम आप यहाँ करोगे। प्रोडक्ट्स आपने यूज किए, आपको अच्छे लगे उसके रिजल्ट्स, अब वो शेयर आप अपना एक्सपीरियंस आप किसी से भी कर सकते हो। ये है डायरेक्ट सेलिंग। शो द प्लान का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इससे आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी इंसेंटिव आपको कैसे देगी और लोगों से बात करने की आपकी झिझक दूर हो जाएगी। ये सही बात है कि इंसेंटिव आपको बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, लेकिन काम आप हमेशा प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड ही कीजिएगा, क्योंकि अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और आपकी सर्विसेज अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वो आपसे 5-10 हजार के इकट्ठे प्रोडक्ट्स भी ले लें, कॉम्बो पैकेज भी ले लें और आपसे बिजनेस प्लान भी वो समझे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड काम करना। तो आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे होंगे उसकी प्रोडक्ट रेंज जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो डेली नीड्स के प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे हैं? ये बहुत जरूरी बात है। बिजनेस प्लान अगर जनरेशन बिजनेस प्लान हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस प्लान आपको ना सैलरी या पेंशन कुछ नहीं देता है, काम आपको करना पड़ेगा तभी बिजनेस प्लान से पैसा मिलेगा। बिजनेस प्लान से भी जरूरी चीज होती है ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर आपकी टीम कैसा काम कर रही है। आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और आपकी सर्विसेज ही मैक्सिमम काम करती है। अपनी टीम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूर रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मत रखिएगा कि 2-3 महीने में डायरेक्ट सेलिंग से आप बहुत बड़ी इनकम अचीव कर लेंगे। भगवत गीता में लिखा है कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख का कारण बनती है, और दुखी मन के साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना खुद को लीड कर पाओगे ना टीम को लीड कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्ट सेलिंग को शुरू में पार्ट टाइम ही कीजिएगा, इसे फुल टाइम करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो 20-मिनट सक्सेस फॉर्मूला होता है इसका, डेली 20 मिनट। इसके लिए आपको अलग से 20 मिनट नहीं निकालने हैं। इसके लिए जब भी आप किसी से कहीं भी बात कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, किसी को भी उसकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्ट चाहिए और आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बारे में उससे बात कर लीजिए। अब अगर वो बातचीत आपकी 5 मिनट में हो गई तो वैसे ही बातचीत आप किसी और से कर लीजिए। ऐसे आपको 20 मिनट बातचीत करनी है, मतलब 5-5 मिनट की 4 बातचीत या 3-3 मिनट की बातचीत, ये है 20 मिनट सक्सेस फॉर्मूला। अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप उसको बाद में प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट यूज करने पर उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बन सकता है। बाद में आप उसको कंपनी के और प्रोडक्ट्स भी बता सकते हैं और बिजनेस प्लान भी दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे इजी मेथड है। ना तो इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ना फैक्ट्री लगानी है और ना ही कोई उधार की टेंशन, और इसे कोई भी कर सकता है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं, अपनी टीम अच्छे से बनाते हैं, खासकर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तो आप एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना और अपनों का भी अच्छा करियर बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक टीम वर्क है। यहाँ जब आप सफल होंगे तो ऑटोमेटिकली ही आप दूसरों की सफलता में भी अपना योगदान देंगे। एक तरह से आप पुण्य का काम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, आप एक तरह से सतयुग क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप दूसरों की सफलता के लिए काम करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही सफल हो जाते हैं।